आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के एक प्राचीन शहर में जिसे कहते हैं संकिसा। इसको साथ ही संकसिया, संकसा और संकस्या भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध के समय में ये शहर प्रमुखता में आया। यहाँ पुराने मठों और बौद्ध स्मारकों के खंडहर हैं। ब्रिटिश नागरिक अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1842 में इस जगह की खोज की थी। और अब हम पहुँच गए हैं, देखिए सामने लिखा है कम्बोडियन बुद्धिस्ट टेम्पल। ये सुंदर सा मंदिर हम आपको दिखाएंगे, पहले तो देखेंगे आप सामने से ही कितना सुंदर लग रहा है। और ये जो जगह है मित्रों, ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में फतेहगढ़ से 23 मील पश्चिम, कायमगंज से 25 दक्षिण और कन्नौज से 45 उत्तर में कंपिल और कन्नौज के बीच इक्खुमती नदी यानी कि काली नदी के उत्तरी तट पर संकिसा बसंतपुरा के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर अंदर आते ही हमें लेफ्ट साइड में जो एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर शायद कार्य चल रहा है, तो सारा आप देखेंगे यहाँ पर बांस से पूरा कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सी गौतम बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति और बैठी हुई मूर्ति, दोनों मूर्तियाँ आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत हैं। इन मूर्तियों को देखते हैं और फिर हम आपको सामने जो इनका मेन मंदिर है उस तरफ लेकर चलेंगे। मित्रों ऐसा कहा जाता है कि संकिसा में ही बुद्ध तवतीसा में अभिधम्म पिटक का उपदेश देने के बाद आम के वृक्ष के नीचे जुड़वा चमत्कार करने के बाद पृथ्वी पर लौटे थे। जब बुद्ध के तवतीसा छोड़ने का समय निकट आया, मोगलान ने भीड़ के सामने उनके लौटने की घोषणा की, जो कुल अनाथ पिंडिका द्वारा खिलाए गए सावत्थी में प्रतीक्षा कर रही थी, जबकि मोगलान धम्म की व्याख्या कर रहे थे। इसके बाद वे संकिसा की ओर चल पड़े। और अब हम पहुंच गए हैं इतने सुंदर से मंदिर के बिल्कुल सामने। और यहाँ पर चढ़ते ही आप देखेंगे किनारे पे नागदेव बने हुए, सीमेंटेड है लेकिन कितने सुंदर आकृति बनाई हुई है। और मंदिर तो आप पूछिए ही मत, इसके अंदर जाके ना आपको अद्भुत आनंद आने वाला है। तो चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपको इस सुंदर से मंदिर के, सुंदर सी मूर्तियों के और बहुत सारी चित्रकारियों के दर्शन कराते हैं। और अब हम आपको इस मंदिर के चारों तरफ का एरिया दिखाते हैं, कितनी दूर दूर तक कितनी सुंदर तरीके से बनाया सारा कुछ आप देखेंगे, बहुत ही प्यारा है। देखिए चारों तरफ आप देखेंगे इतना खुला एरिया, इतनी हरियाली और मंदिर पे नक्काशी और जो डिज़ाइन बनी बहुत ही सुंदर है। और मित्रों बताते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो अवतरण था वो महापावरना उत्सव के दिन हुआ था। इस अवसर पर जन समूह को सारिपुत्र की अद्वितीय बुद्धिमत्ता का बखान करने के लिए परोसहज जातक का उपदेश दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध के संकिसा में अवतरण ने मोगलान को इद्धि में,
अनुरुद्ध को दिव्य चक्कु में और पुन्न को उपदेश देने में कुशलता दिखाने का अवसर प्रदान किया था और बुद्ध सारिपुत्त को अपनी बुद्धिमत्ता में चमकने का एक मौका देना चाहते थे। संकिसा के नगर द्वार के स्थल को दुनिया के अपरिवर्तनीय स्थलों में से एक कहा जाता है। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे बाहर और यहाँ के बाहर निकलते ही सामने एक और पार्क जैसा एरिया आपको दिखाई देगा, जहाँ पर बहुत सुंदर सा स्तंभ और बहुत सुंदर सा और भी कुछ कुछ चीजें हैं। तो हम निकलेंगे थोड़े यहाँ से बाहर और आपको दिखाते हैं सामने वाला एरिया भी। और देखेंगे आप ये बिल्कुल सामने ही, मतलब इस मंदिर के बिल्कुल सामने में जो बीच में एक रोड है उसको क्रॉस करते ही बिल्कुल सामने ये एरिया पूरा बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एकदम शांत वातावरण, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर स्तंभ देखिए कितना ऊपर तक है और स्तंभ के ऊपर गज बना हुआ है। मित्रों ये तो कंबोडियन टेम्पल था महात्मा बुद्ध का, लेकिन इससे पहले एक वीडियो में हमने संकिसा के ही एक वीडियो में आपको वो जगह दिखाई थी जहां पर बिसहरी देवी का मंदिर था और साथ ही वहां पर वो जगह थी जहां पर बताते थे कि महात्मा बुद्ध सोने की सीढ़ियों से उतरे थे। तो वो सारा कुछ हम आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में दिखा चुके हैं। बाकी संकिसा में बचे हुए दो एरिया थे ये हमने आज आपको दिखा दिए हैं। तो उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये दर्शन अच्छे लगे होंगे। तो मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू।